रात से हमें नींद नहीं आया है, मैं सोया नहीं हूँ। देखिए हमारे चैनल पे क्या हुआ है, समझिए कि जीवन बर्बाद होने वाला ये जो है। प्लीज ऐसा मत करो यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, बहुत अजीब हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, अभी दोपहर वाला टाइम हो गया। तो अभी हम कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश से हट करके ना एक गाँव का बस्ती पड़ता है जहाँ पे भैया जी का गाँव है प्रॉपर। मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा, यहीं से हमने सोचा कि ब्लॉग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गांव है और यहीं पे अजय भैया का गांव वाला पैतृक घर है, देख सकते हो आप लोग। वो दादी जी बैठी हुई हैं, देखिए कहाँ गए भैया? इसमें लगे नहीं रहा भाई यार, नहीं लग रहा, ये फंस रहा ना, ये कड़ा फंस। अच्छा बगल का वो बटन, हाँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नीचे वाला में लगा, नीचे वाला, नीचे भी तो है वो पलक। ये बोर्ड सही है? हाँ बोर्ड सही है भैया। आपका क्या नाम हुआ? गोविंद। अच्छा ये इनके चाचा जी के लड़के लगते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ अंदर से घर, देखिए आप लोग, ये बहुत पुराना मकान बना हुआ है, ये देखो आप लोग, ये देखो बहुत ही पुराना, ये देखिए। यहाँ पे पता है आपको हम कब आए थे? जब आपके पास, आपके भाई के पास ना बिल्कुल जीरो फॉलोवर थे ना भैया, कुछ नहीं था ना उस टाइम में, उस टाइम यहाँ पे आए थे हम। मतलब मैं आपको बता दूँ कि फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो मन उब जाता था, तो गांव तो जा नहीं पाते थे, गांव जाने में कम से कम 24 घंटा लगता था कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे गांव में, और इस वजह से मन जो है ना उब जाता था काम करते करते। तो मन करता था थोड़ा गांव देख ले, तो भैया के गांव ही यहीं पे आ जाया करते थे, टहल लिया करते थे। अभी और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ आज मामा जी का बाइक लेकर के आए, तो उनको बाइक दे देंगे, बाइक दे करके फिर घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम भी हो गया, और वीडियो शूट करना था तो वो भी हो चुका है। फिलहाल अभी हमने वीडियो का एडिटिंग कर लिया है, तो वो बहना गई है फ़ोन चार्जिंग में लगाने के लिए, तो फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा अभी। तो भैया अपना घर दिखा रहे हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ ना कि ये जन्नत से कम नहीं होता है, इतना याद रखे। बहुत अच्छा लगता है इन घर में रहने में, सुकून होती है। देखिए अभी बनी नहीं अच्छे से, ये बहुत पुराना है ना, कितना साल पुराना होगा लगभग? कम से कम 25-30 साल पुराना, 30 साल पुराना है। इस घर में ना एक दरवाज़ा था जिसको बंद कर दिया गया, देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मिट्टी की दीवारों से बंद है ये, देखिए आप लोग। अच्छा पीछे भी है, तो कुछ है नहीं तो मतलब ये बंद क्यों किया गया? खुला है ना उस साइड, खुला है, यही कारण, पूरा खुला है ना। अच्छा ये देखिए आप लोग, पता है जब भैया के गांव आ रहे थे ना, तो पुराना वाला राजा ब्लॉग लौटता हुआ आ रहा था, जिस टाइम कुछ नहीं थे, वो चीजें याद आ रही थी माइंड में। उसके बाद ही आया ना, अब उसके बाद ही आए, बीच में कभी आए नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं ना। ना बहुत सही, मतलब कितना टाइम हो गया, सच में बिलीव नहीं होता है, सच में 4-5 साल हो गया, 4 साल। कितने फॉलोवर थे उस टाइम हमारे? उस समय मेरे ख्याल से 7 या 8 हज़ार थे, 8 हज़ार थे। अच्छा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे। अच्छा तो दोस्तों भैया घर पे चाय नाश्ता वगैरह कर लिए, अभी निकल रहे हैं, ये भैया का प्रॉपर गाँव का घर है, अब निकल रहे हैं हम लोग कानपुर के लिए। आपको वो रास्ता दिखाएंगे जहाँ पे गांव में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर के हमने रील्स वीडियो शूट किया था। कौन सी जगह है वो? आगे है ना जहाँ पे सभी लोग जिम करते हैं, यहाँ पे अमरूद की खेती ज़्यादा होती है, पेड़ बहुत है। ये देखिए गाइस धान की कटाई, वो धान रखा हुआ खेत में, ये देखिए आप, इस सारे जगह पे धान हुआ है, लग रहा फसल खराब हो गया है। तो वो मशीन काटी है ना? हाँ पेड़ नीचे गिरा हुआ है ना सब, और यहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, आम का पेड़, अमिया का पेड़, इस जगह पे भी हम आके पहले रील शूट कर चुके हैं, बहुत पहले आए थे। एक आईना वाला करके गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, उस पर हमने किया था। ठीक है सीन कुछ ऐसा है ना कि आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया जी आप जब ट्रैवलिंग करते हैं ब्लॉग बनाते हैं तो फ़ोन को चार्जिंग में कहाँ लगाते हो? तो मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रैवलर होता है पूरा, मतलब समझिए कि भारत का दौरा करता है, सभी जगह घूमता है, तो आप देखते हो उनके ब्लॉगों में कि कहीं ना कहीं रुक के वो अपना प्रबंध कर लेते हैं। पेट्रोल पंप भैया जरा दिखाइएगा, अभी पेट्रोल पंप में हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए थे। यहाँ से करीबन कितना किलोमीटर होगा घर? 20 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम लोग को जाना है अपना घर, उसके बाद मामा जी का बाइक भी लेना है, मामा जी का बाइक वहाँ पर खड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। फ़ोन को जो है अभी हम चार्जिंग पर लगा दिए ताकि हमारा फ़ोन चार्ज हो जाए, और आप लोग देखिएगा कि 15:00 हो रहा है, यानी रेलवे का टाइमिंग है, 3:00 बज रहा है पक्का, और मेरा फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं था, यानी समझिए 2% का।
अगर स्विच ऑफ हो जाता तो हम कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पाते और शायद ब्लॉग भी पोस्ट नहीं कर पाते। फटाफट अभी ब्लॉग भी पोस्ट हो जाएगा, अभी ऑन है तो चार्ज भी हो जाएगा, कुछ दिन फोन चार्ज कर लेते हैं। फिर रात में हमें निकलना है, पहले मामा जी के यहाँ बाइक दे देंगे, उसके बाद रात में प्लानिंग करेंगे आराम से, रात में आराम से ट्रेन पकड़ेंगे, कल सुबह तक 5-6 बजे 7 बजे तक आराम से हाजीपुर उतर जाएंगे। और अभी तक हमारी स्कूटी भी ठीक नहीं है, देखते कब तक स्कूटी ठीक होती है, क्योंकि अभी कॉल पर बात तो हुई है, उन्होंने बोला कि संडे तक हो जाएगा हमारी स्कूटी ठीक। सुबह फिलहाल अभी हम घर पर आ चुके हैं भैया जी के घर पर। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मामा जी के यहाँ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे इस वजह से, और उसके बाद मॉर्निंग में नहा लेते ना, फिर उस पर ठंडे का मौसम आ गया, स्वेटर पहन के गए नहीं थे शूट पे, रात में करीबन हम लोगों ने 12 बजे शूटिंग किया, इस वजह से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। देख सकते हो आप लोग दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, भैया अभी अंदर हैं तो दिखा नहीं सकते आप लोगों को, सीढ़ी लगा हुआ है, देखें आप लोग, बहना भी अंदर में, पूरा सामान इधर रखा हुआ है। मम्मी कॉल पर कॉल कर रही हैं कि आ जाओ जल्दी से, मामा जी को भी बाइक देने के लिए जाना है। भैया अभी आएंगे तो फिर से नहावा के फ्रेश हो जाएंगे अभी, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग नहाए नहीं थे आज, और रात भर हम लोगों ने शूटिंग किया, करीबन 12-1 बजे तक शूटिंग चली थी, समझिए 3-4 रील शूट हुआ था, 4 ही रील्स में इतना ज़्यादा टाइम चला गया ना पूछिए मत, क्योंकि हर रील्स को परफेक्ट बनाना होता है, लिपसिंग मैच होनी चाहिए, सब कुछ सब देख करके चलना होता, ऊपर से लाइट जो है ना बंद हो जाता था, चार्ज बार बार करना पड़ता था, इस वजह से टाइम जो है ज़्यादा चला गया। तो बस अभी मम्मी जी चाय वाय बना के दिए तो चाय पिए मस्त, तभी थोड़ा सा आराम मिला। तो गाइस अभी निकल चुके हैं मामा जी के घर के लिए, काफ़ी रात हो गया था, स्वेटर वगैरह बढ़िया से हम पहन लिए, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत तेज़ जुकाम हो गई है, कौन सी जगह कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार आते रहते हैं व्लॉग वगैरह शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। और इधर साइड में गंगा नदी पड़ता है, टीला जिसको कहा जाता है, ये देखें आप लोग। हेलो यूट्यूब फैमिली, रात से हमें नींद नहीं आया है, मैं सोया नहीं हूँ, करीबन रात में 7 बजे करीबन शाम का ही टाइम होता है, उस टाइम हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, ठीक है, अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर में 12,000 करीबन व्यूज़ आ जाता है शॉर्ट वीडियोज़ में। चलिए ये तो आप लोग का प्यार है, बहुत खुश थे हम, बहुत मेहनत किए थे। एक यूट्यूबर का पता है लाइफ बर्बाद कब होता है, जब उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, या फिर उनके वीडियो को ब्लॉक किए जाते हैं, या फिर उनके मेहनत का हिस्सा को जो ना कहते हैं कि जिस हिसाब से हमने मेहनत किया है, YouTube उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करे। अब डर भी लगता है कि इस प्रकार का अगर वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन फिर भी शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम जैसे कई सारे क्रिएटर होते हैं कि पता नहीं हमारे जो ऑफिशियल ऐप हैं YouTube, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कुछ, या फिर किसी का आप मटेरियल यूज़ कर लो तो ये पता नहीं कैसा नियम है कि आपके वीडियो को या फिर ब्लॉकेज कर दिया जाएगा, या फिर स्ट्राइक दे दिया जाए, ब्लॉक कर दिया गया, तो मैं उसका प्रूफ आप लोगों को देना चाहूँगा। और कल रात से ही मतलब हो जाता है टेंशन में कि हमने वीडियोस बनाए, इतना मेहनत किया तो कैसे क्या हो जाता है। तो शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया, उसमें गाना था किसी कंपनी का, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग था उसमें, जो कि मैंने लिपसिंग भी नहीं किया था, ज़्यादा नहीं 31 सेकंड का यूज़ था शॉर्ट्स वीडियो में, तो कॉपीराइट क्लेम आना चाहिए, तो कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है कि पैसे आना बंद हो जाते हैं, उसमें अर्निंग नहीं होते हैं, तो ये सही बात होता है, लेकिन क्लेम से इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता चैनल पे, लेकिन आपकी वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाए तो सबसे पहले व्यू रुक जाते हैं, वीडियो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये चीज़ें उल्टा हुआ है, ब्लॉक कर देने के बाद भी जो है वो वीडियो दिख रहा है, ये चीज़ें सारी मैं एक्सप्लेन करूँगा। कंट्रीज, ठीक है, गाना ये टाइटल हमने रखा था अपनी मांग सुहागन हो, लव मैरिज क्यूट कपल शॉर्ट्स, ठीक है, एक कॉपीराइट ऑनर यूजिंग कंटेंट आईडी हैज़ क्लेम्ड सम मटेरियल इन योर वीडियोस, है ना, हैर एज अ ब्लॉक करके ऊपर में लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट योर हैज़ बीन ब्लॉकड इन सम कंट्रीज, दिस मीन्स दैट योर वीडियो इज स्टिल अप ऑन यूट्यूब बट पीपल इज सम कंट्रीज मैनी नॉट बी अवेल टू वॉच इट, दिस इज ए नॉट कॉपीराइट स्ट्राइक, दिस इज ए क्लेम्ड ऑज Not affected your content status। वीडियो का टाइटल दिया गया, जिस कंपनी का गाना है, CMS दिया गया है, ब्लॉकेड, ठीक है, पता नहीं ब्लॉकेड रूसिया क्या होता है, मुझे नहीं पता है यहाँ पे। ऊपर जो अंग्रेजी में हमने पढ़ा है जो शब्द, उसके हम मायने निकालेंगे, भैया थोड़ा पकड़िए ज़रा, उनका मायने यही है
कि आपका वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो हमने अभी अंग्रेजी पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, एज ए रिजल्ट योर वीडियो हैज़ बिन ब्लॉकड इन समवन कंट्रीज, दिस मीन्स दैट योर वीडियो इज स्टिल अप ऑन यूट्यूब बट पीपल इन सम कंट्रीज मे नॉट बी अवेल टू वॉच इट। थोड़ा अंग्रेजी में दिक्कत है जैसे तैसे पढ़ के आपको हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरा जो वीडियो है ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले ही देख सकते हैं जो हमारे भारत के लोग हैं, बाकी अदर कंट्री से कोई भी व्यक्ति हमारा वीडियोस नहीं देख सकता है। इतना बुरा फील होता है ना कि मतलब एक सॉन्ग ही तो था, आप क्लेम दे देते, क्लेम से ये होता कि चलो क्लेम से हमें अर्निंग नहीं होती, हमको पता है कि रूल है हम किसी का गाना यूज नहीं कर सकते, पर वीडियोस आपने हर कंट्री के लिए ब्लॉक कर दिया, अपने कंट्री से भी अलग, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, बहुत सारे मतलब इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे हिंदी लोग समझते हैं वहाँ वहाँ हमारी वीडियो जाती तो वायरल होता, इनिशियल बूस्ट मिलता, सपोर्ट मिलता, वीडियो पे ज़्यादा थोड़ा व्यू आ जाते, वीडियो इतनी अच्छी थी ना मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। और वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को कौन सी वीडियो है जिनको ब्लॉक किया गया और किस प्रकार से है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना बेकार लगता है गाइस। ये देखिए जहाँ पे विजिबिलिटी लिखा हुआ दिख रहा है भैया, वो जो पीला कलर का है, पीला कलर का ऐसे तीर का निशान जैसा बना हुआ है त्रिभुज, यहाँ पे ना मतलब भूगोल दिखना चाहिए था, जैसे पूरा जैसे पृथ्वी जैसा बना हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिख रहा है, ये पता नहीं किस तरीके से है। और मोनेटाइजेशन तो ऑन है, कॉपीराइटेड है, बट इससे क्या होता है ना कि दूसरे देश के व्यक्ति जो है देख नहीं पाते, तो मुझे लगा कहीं स्ट्राइक वगैरह तो नहीं आ गया, बहुत प्रॉब्लम में आ गए यार, मैं तो यूट्यूब से हाथ जोड़ के बोलूँगा प्लीज़ ऐसा मत करो यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्यों ऐसा करते हो आप लोग, आप एक कंपनी है, आप इतना बड़ा ब्रांड है, सभी लोग आपके ऊपर, कितने सारे क्रिएटर हैं मेहनत करते हैं, तो ब्लॉक मत किया कीजिए, ब्लॉक करने से शायद आईडी पे भी इफेक्टेड पड़ जाता है, थोड़ा व्यू व्यू में भी दिक्कत होता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि चैनल पे इफेक्ट भी पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, और मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी का भी कॉल आ रहा है, तो यही जानकारी आपको देना था, तो रात से मन नहीं लग रहा था, थोड़ा समय सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा, फिर से प्रदेश से देख रहे पूरा, फिर बगल में स्टार जाकर फॉलो कर लीजिए, कमेंट करके बताइए इससे कोई चैनल पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, आप लोग बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि निकल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।